प्रिया कुमारी को इस मुहर्रम को उसको 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना यह पड़ता है, सिंध के अंदर कच्चे के डाकू और शहर कराची में पक्के के डाकू आए दिन लोगों को किसी ना किसी हवाले से अगवा या दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं। शेम शेम शेम। प्रिया कुमारी हमारी वो बेटी है जिसने मुहर्रम के जुलूस में आजादारों के लिए सबील का एहतमाम किया, लेकिन इसके बाद उसको उठा लिया गया और अफसोस का मकाम यह है कि 3 साल बाद सिंध हुकूमत के कान पे जू रेंगी है और उसने एक कमीशन बनाया है, एक जॉइंट इंक्वायरी कमीशन बनाया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा 3 साल तक मुराद अली शाह साहब कहां सोए हुए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके लोग कहां सोए हुए थे। शेम शेम। मरकजी हुकूमत भी आपकी है, सूबाई हुकूमत भी आपकी है, 8 साल बच्ची प्रिया कुमारी उसका कसूर क्या है कि वो सिंध की बच्ची है, वो एक हिंदू घराने में पैदा हुई है, वो उतनी ही पाकिस्तानी है जितना नवाज शरीफ पाकिस्तानी है, वो उतनी ही पाकिस्तानी है जितना इमरान खान पाकिस्तानी है, वो इतनी पाकिस्तानी है जितना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तानी है, ये उतनी पाकिस्तानी है जितना मैं और आप पाकिस्तानी है। इस बच्चे के साथ ये जुल्म ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगी। हम हर जगह जाकर इस बात का एहतजाज करेंगे कि जुल्म है ये उस बच्ची के साथ, उस घराने के साथ जो अपने आप को पाकिस्तानी समझता है लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान उसे पाकिस्तानी नहीं समझते।